हेलो एंड वेलकम बैक टू पाइथन ट्यूटोरियल्स ऑफ खामिश पार्ट फोर्टीन पाइथन लाइब्रेरी सो लाइब्रेरी लाइब्रेरी इन पाइथन बेसिकली लाइब्रेरी इज़ अ कलेक्शन ऑफ़ सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन ठीक है वहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है हमारे पास वेरियस सोर्सेज होते हैं रिसोर्सेज होते हैं जहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है सो लाइब्रेरी इन पाइथन लाइब्रेरी इज़ अ कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स दैट टुगेदर सर्व टू स्पेसिफिक टास्क सो पाइथन की लाइब्रेरी में क्या है हमारे पास छोटे छोटे बहुत सारे मॉड्यूल्स होंगे अलग अलग छोटे छोटे प्रोग्राम्स जो कि टुगेदरली सर्व करते हैं एक स्पेसिफिक टास्क को एक स्पेसिफिक जॉब को एक पर्टिकुलर प्रोग्राम को ठीक है तो कोई प्रोग्राम किसी लाइब्रेरी को कॉल करेगा कोई प्रोग्राम किसी लाइब्रेरी को कॉल करेगा अ लाइब्रेरी कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल मॉड्यूल्स लाइब्रेरी में बहुत सारे छोटे छोटे मॉड्यूल्स अवेलेबल होते हैं साम कॉमनली यूज पाइथन लाइब्रेरीज तो सबसे कॉमनली जो हमारी पाइथन लाइब्रेरीज यूज होती हैं उसमें सबसे पहले है पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी वेरियस मॉड्यूल्स आर अवेलेबल फॉर डिफरेंट टास्क इस लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स हमें मिल जाएंगे जिनको हम ऐसे ही कॉल कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं साम कॉम यूज मॉड्यूल्स अंडर दिस लाइब्रेरी आर मैथ मॉड्यूल्स मैथ मॉड्यूल्स में हमें मैथेमेटिकल फंक्शंस मिल जाएंगे एल जेब्रा के रैंडम मॉड्यूल फंक्शंस फॉर जनरेटिंग स्यूडो रैंडम नंबर्स रैंडम मीन्स रैंडम सिलेक्शन ऑफ नंबर्स ठीक है तो ऐसे नंबर्स पर जब हमें काम करना है रैंडमली तो वो हम रैंडम मॉड्यूल कॉल कर सकते हैं स्टेटिस्टिक्स मॉड्यूल्स स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल में हमारे पास मैथमेटिकल स्टेटिक्स फंक्शन होते हैं ठीक है जिससे हम स्टैटिस्टिक्स बना सकते हैं हम लोग देख सकते हैं कंपेरिजन्स कर सकते हैं सी मैथ मॉड्यूल इस मॉड्यूल में हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स के मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स आप सबने मैथ्स में पढ़ा ही होगा कि क्या होते हैं इमेजिनरी नंबर से जब हम डील करते हैं तो उसके फंक्शंस उससे रिलेटेड फंक्शंस हमें सी मैथ मॉड्यूल में मिल जाएंगे एंड द लास्ट इज यू लिब मॉड्यूल यू आर एल मीन्स यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर यू आर एल हैंडलिंग फंक्शन टू एक्सेस वेबसाइट्स जब आपको अपने प्रोग्राम के अंदर कुछ वेबसाइट्स को एक्सेस करना है तो हम यू आर एल एल आई बी मॉड्यूल को यूज कर सकते हैं तो डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं डिफरेंट फंक्शंस के साथ और डिफरेंट जॉब्स को वो परफॉर्म करते हैं नेक्स्ट हमारे पास एक लाइब्रेरी है ये सारी की सारी कॉमन लाइब्रेरीज हैं जो हम यूजुअली यूज करते हैं NumPy पाए लाइब्रेरी नम पाए पाए स्टैंड फॉर पाइथन एंड नम फॉर न्यूमेरिक न्यूमेरिक पाइथन लाइब्रेरी इसमें एडवांस मैथमेटिकल फंक्शंस हैं अलोंग विद जोस टू क्रिएट एंड मानोपुलेट न्यूमेरिक एरेज अगर किसी और ने कोई और लैंग्वेज पढ़ी हुई है किसी ने भी C++ C या जावा पढ़ी हुई है तो उसको एरेज के बारे में क्लियरेंस होगी कि एरे क्या होते हैं ठीक है तो को मैनिपुलेट करना या उनको क्रिएट करना इसके डायरेक्ट टूल्स हमें मिल जाएंगे नम पाए लाइब्रेरी में नेक्स्ट इज साई पाए लाइब्रेरी साय मीन साइंटिफिक एंड पीवाईजन एल्गोरिदमक एंड मैथमेटिकल टूल्स फॉर साइंटिफिक कैलकुलेशन तो साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए एल्गोरिद्मिक या मैथमेटिकल टूल्स हमारे पास इस साई पाए लाइब्रेरी में अवेलेबल होते हैं नेक्स्ट इज टी कंटर लाइब्रेरी दिस इज ए ट्रेडिशनल पाइथन लाइब्रेरी इसमें हमें एक यूजर इंटरफेस मिलता है उसकी टूल किट मिल जाती है उसके सारे फंक्शन यहाँ पर हमें मिलेंगे बाई डिफॉल्ट प्रीडिफाइंड जिनको बस हमें यूज करना है एंड हेल्प टू क्रिएट जी ओ आई इंटरफेस इस लाइब्रेरी में कुछ ऐसे फंक्शन ऐसे मॉड्यूल्स हमें मिलेंगे जो जी ओ आई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाने के काम आते हैं माल प्लॉट लाइब्रेरी या मैल प्लॉट लाइब्रेरी क्वालिटी आउटपुट इन वेरियस फॉर्मेट्स लाइक प्लॉट्स, चार्ट्स, ग्राफ्स। अगर आपको कोई ग्राफिकल फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन देनी है प्लॉट्स क्रिएट करने हैं चार्ट्स बनाकर देने हैं ग्राफ्स बनाकर देने हैं तो आप इस लाइब्रेरी को कॉल कर सकते हो तो ये कुछ बेसिक लाइब्रेरीज की ही बात की है हमने यहाँ पे पाइथन स्टैंडर्ड नम पाए साई पाएक लाइब्रेरी राइट नेक्स्ट लाइब्रेरी तो हमने देख ली कि क्या होता है उसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं नाउ लेट अस सी कि मॉड्यूल क्या होता है पार्टीशनिंग अ प्रोग्राम इनटू इंडिविजुअल कंपोनेंट्स इज कॉल्ड मॉड्यूलरिटी तो मॉड्यूलरिटी क्या होती है एक्चुअली जब हम किसी बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं कि ये वाला फंक्शन ये टास्क परफॉर्म करेगा ये वाला फंक्शन ये वाला टास्क परफॉर्म करेगा तो ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम्स हम बना देते हैं और उनको कंबाइन कर, कर एक बड़ा प्रोग्राम फॉर्म करते हैं तो जो तो ये छोटे छोटे इंडिविजुअल कंपोनेंट्स बनाए जाते हैं इन्हीं को बोलते हैं मॉड्यूल्स और इस एक्ट को बोलते हैं मॉड्यूलरिटी इट इज अ सेपरेट यूनिट इट अगर हम किसी मॉड्यूल को अकेले ही चलाएंगे तो वो चलेगा मीन्स वो रन करेगा और हमें आउटपुट भी Accordingly देगा। तो तो एक है है अपने आप में। अब जो ये partitioning होती है या ये होती या बनाए बनाए जाते है, ये क्यों जाते हैं, हैं? क्यों एक्सटेंट किसी हद तक कॉम्प्लेक्सिटी है जो प्रोग्राम की वो रिड्यूस हो जाती है अब देखो मैंने कोई एक प्रोग्राम बनाया उसमें लाखों लाइंस लिख दी ठीक है तो उसको पढ़ना बेटर रहेगा या फिर छोटे छोटे फंक्शन अलग अलग बना दिए जाए जो पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करें वो ईजी रहेगा आई गेस सेकेंड वन विल बी मच मोर द फर्स्ट वन है ना तो ऐसे मॉड्यूल्स बनाने से कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाती है किसी हद तक यानी कि पूरी तरह हो जाती है टू क्रिएट अ वेल डिफाइंड डॉक्यूमेंटेड बाउंड्रीज विद इन द प्रोग्राम ठीक है हम कोई मॉड्यूल बना मॉड्यूल बना रहे हैं उसका रीजन ये भी होता है कि छोटे छोटे अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन बन जाती हैं कि ये वाला फंक्शन ये परफॉर्म करेगा ये वाला ब्लॉक ये वाला काम परफॉर्म करेगा तो अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन हम कर सकते हैं जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी क्या कौन सी चीज क्या कर रही है और कहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तुम पर्टिकुलरली उसी फंक्शन को जाकर या उसी जॉब को जाकर छेड़ेंगे और उसमें चेंजेस परफॉर्म करेंगे ठीक है तो ये हम उसके हर फंक्शन के साथ हर कंपोनेंट के साथ या हर मॉड्यूल के साथ हम ये चीज मेंशन कर देंगे कि ये वाला ये वाला टास्क परफॉर्म कर रहा है तो अकॉर्डिंगली अगर कोई प्रॉब्लम भी हमें आए तो हम पर्टिकुलरली उसी टास्क को चेंज करेंगे राइट एंड थर्ड इज कंटेंट्स कैन बी रीयूज इन अदर प्रोग्राम्स विदाउट रिक्रिएटिंग दैम तो अगर हमने कोई मॉड्यूल बना के रख दिया और हमें वैसा ही मॉड्यूल या वही मॉड्यूल दोबारा किसी और प्रोग्राम में चाहिए तो हमें उसको दोबारा मन रिक्रिएट करने की जरूरत नहीं है वी विल री यूज द सेम मॉड्यूल इन अदर प्रोग्राम्स हमने उसको एक बार बना के रख दिया अब हम उसको सिर्फ कॉल करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर और वो ऑटोमेटिकली वहां पर आ जाएगा रेडी टू यूज विदाउट रिक्रिएशन राइट तो मॉड्यूल प्रिपरेशन क्यों की जाती है टू रेड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी टू क्रिएट अटेड ऑफ द मॉड्यूल द नेक्स्ट इज बेसिकल स्ट्रक्चर ऑफ पाइथन मॉड्यूल ठीक है तो पाइथन मॉड्यूल जो होता है उसमें होता क्या है एक्चुअली वो क्या कंसिस्ट करता है उसमें क्या होता है पाइथन इज लोडेड विथ प्री डिफाइंड मॉड्यूल्स डैट वी कैन यूज एंड वी कैन इवन क्रिएट आर ओन मॉड्यूल एज पर रिक्वायरमेंट पाइथन की लाइब्रेरी में हमारे पास बहुत सारे मॉड्यूल्स ऑलरेडी ही गिवन हैं जिनको हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं और अगर चाहें तो अपनी मर्जी से अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हम कोई नया मॉड्यूल बना भी सकते हैं और उस मॉड्यूल को भी हम कहीं पर भी फिर जैसे मर्जी यूज़ कर सकते हैं

वही सब जो हम नॉर्मल प्रोग्राम में बनाते हैं क्लासेस क्लासेस क्या है टेम्पलेट्स टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ सर्टेन टाइप टेम्पलेट्स आप सबने सुना ही होगा फोन में होते हैं ना कि आपने डायरेक्ट किसी को मैसेज करना है तो आपके पास कुछ प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स होते हैं कि इसको डायरेक्ट आप सेंड कर दो कुछ वैसा सा ही कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास प्री डिफाइंड कुछ क्लासेस होती हैं कुछ टेम्पलेट्स होते हैं जिनको फिर हम सीधा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर कर यूज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं इंस्टेंसेस ऑफ क्लासेस ये जो क्लासेस बनी हुई हैं या हम बनाए या फिर ऑलरेडी बनी बनाई हैं उनको यूज करते हैं कौन यूज करते हैं ऑब्जेक्ट्स यूज करते हैं तो ऑब्जेक्ट्स आर द इंस्टेंसेस ऑफ क्लासेस ठीक है जैसे कि इसका एग्जाम्पल लेते हैं सपोज एक स्कूल में कोई क्लास है कॉमर्स ठीक है उसमें कॉमर्स के बच्चे हैं अब अगर रूम का नाम रख दिया कॉमर्स तो रूम तो कोई काम ही ना कर रहा काम कौन कर रहे हैं जो वहां पे बच्चे बैठे हैं तो जो बच्चे उसके अंदर हैं वो ऑब्जेक्ट्स हो गए और क्लास का नाम क्या हो गया कॉमर्स ठीक है तो ऐसे ही क्लास एक कह लो आप रूट है और उसकी ब्रांचेज है ऑब्जेक्ट्स ठीक है नेक्स्ट इज स्टेटमेंट्स स्टेटमेंट्स आर द इंस्ट्रक्शंस और कमांड्स और इनपुट ठीक है तो इंस्ट्रक्शन या कमांड्स जो भी करने को कहा गया है उस ब्लॉक को उस मॉड्यूल को जो भी उसमें लिखा गया है वो सारी क्या है स्टेटमेंट्स हैं या फिर इंस्ट्रक्शंस हैं जो वो मॉड्यूल परफॉर्म करेगा फंक्शंस फंक्शंस आर द नेम्ड ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस फंक्शंस मैंने अपने इस पैथन ट्यूटोरियल में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं तो फंक्शंस क्या है एक ग्रुप है ऑफ इंस्ट्रक्शंस डॉक स्ट्रिंग्स डॉक स्ट्रिंग मीन्स डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग्स ट्रिपल कोटेड कमेंट्स यूजफुल फॉर डॉक्यूमेंटेशन अब अगर मैंने दस फंक्शन बना दिया और फिर मुझे याद ही ना रहे कि ये दस फंक्शन क्या काम कर रहे हैं ये दस ब्लॉक क्या काम कर रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है तो हम क्या करते हैं जो भी हम बना रहे हैं उसके साथ एक कमेंट दे देते हैं कि ये वाली ये चीज परफॉर्म कर रहा है ये वाला ब्लॉक ये वाली चीज परफॉर्म कर रहा है तो जो ये कमेंट्स होते हैं इन्हीं को क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन डॉक स्ट्रिंग्स नेक्स्ट इज वैर एंड कॉन्स्टेंट्स तो कुछ वेरिएबल्स या कुछ कॉन्स्टेंट वैल्यूज हमारे मॉड्यूल यूज करेंगे जिनको लेबल्स ऑफ डेटा भी कहा जाता है कि इस तरह का डेटा ये मॉड्यूल यूज करने वाला है इंटीजर टाइप का फ्लोर टाइप का स्ट्रिंग टाइप का कौन सा वेरिएबल एंड ऑल तो हमारे पाइथन मॉड्यूल में क्लासेस ऑब्जेक्ट्स स्टेटमेंट्स फंक्शंस डॉक स्ट्रिंग्स वेरिएबल एंड कॉन्सटेंट्स ये सब कुछ होता है राइट right? तो ये है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ पाइथन मॉड्यूल अब हम यहां देख सकते हैं सपोज मेरे पास तीन मॉड्यूल हैं अब एक मॉड्यूल में मॉड्यूल वन में क्या क्या होता है वेरिएबल्स होते हैं फंक्शन होते हैं फंक्शन से कुछ अपने वेरिएबल्स होते हैं देन क्लासेस होती हैं क्लासेस से कुछ अपने ही मेंबर्स एंड मैथड होते हैं मेंबर्स मीन्स वेरिएबल्स ऑफ क्लासेस एंड मैथड्स मीन्स फंक्शंस व्हिच कैन मैनिपुलेट दीज मेंबर्स राइट मेम्बर्स एंड मैथड्स हैंड बाय हैंड जाते हैं ठीक तो है तो वेरिएबल्स हैं कुछ फंक्शंस हैं कुछ क्लासेस हैं तो ऐसे मेरे पास तीन मॉड्यूल्स हैं मॉड्यूल वन मॉड्यूल टू मॉड्यूल थ्री तो हम चाहें तो किसी भी मॉड्यूल को किसी और मॉड्यूल में इंपोर्ट कर सकते हैं मॉड्यूल टू को वन में कर लो वन को टू में कर लो थ्री को वन में कर लो वन को थ्री में कर लो टू को थ्री में कर लो ऐसे ठीक है तो ये आपस में सब इंटरकनेक्ट हो सकते हैं राइट right? तो यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं हम मैंने एक फाइल बनाई है ap.py डॉट पी वाई ये कमेंट है तो जो हमारे रेड में आ रहा है ये सब सिंगल लाइन कमेंट्स हैं जो ट्रिपल कोर्स में होते हैं वो डबल लाइन कमेंट्स होते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स होते हैं खैर लिखे हुए एक ही लाइन में है तो ये फंक्शन क्या है टू फाइंड आउट एरिया एंड पैरामीटर ऑफ अ सर्कल यहाँ पे दो फंक्शन हैं एरिया एंड पैरी एरिया क्या करेगा इट विल रिटर्न द एरिया ऑफ अ सर्कल राइट एंड पैरी क्या करेगा इट विल रिटर्न द पैरामीटर ऑफ अ सर्कल तो एरिया में हमने एरिया का फंक्शन लगा दिया और पैरी में हमने पैरामीटर का फंक्शन लगा दिया कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट में हमारे पास एक पाई है जिसकी वैल्यू क्या है थ्री पॉइंट वन फोर वैल्यू ऑफ पाई। हमारी फाइल का नाम है ए पी डॉट पी वाई और ये पूरा उसका पाथ गिवन है सी यूजर्स एच सी एल या लोकल प्रोग्राम्स एंड ऑल ठीक है तो हम अब पाइथन शेल ओपन करते हैं हमने ऑलरेडी ये मॉड्यूल बनाया हुआ उसको सेव कर लिया ठीक है अब मैं बताती हूँ कि इसको यूज़ कैसे करेंगे हम हमने पाइथन शेल ओपन किया या इसको देख कैसे सकते हैं हम इम्पोर्ट ए पी इम्पोर्ट का मतलब होता है कि इसको इस शेल के अंदर ले आओ इसको ओपन कर लो हेल्प ए पी अब जब मैंने हेल्प कमांड रन की तो देखिए मेरे पास क्या आ गया नेम आ गया नेम ए पी है क्या करेगा टू फाइंड आउट एरिया एंड पैरामीटर ऑफ अ सर्कल फंक्शन दो हैं इसमें एरिया एंड पैरी एरिया एरिया ऑफ अ सर्कल एंड पैरी पैरामीटर ऑफ अ सर्कल के लिए फाइल की स्टोरेज कहाँ पर है वो पूरा का पूरा पात भी आ गया तो ये है हमारा डॉक्यूमेंटेशन ये एक मॉड्यूल था जिसके अंदर मैंने ट्रिपल कोर्स में जो एक ग्रीन में है डॉक्यूमेंटेशन कर दी कमेंट्स लिख दिए ठीक है तो उस अकॉर्डिंगली हमने जब हेल्प किया तो हमारे पास इस पूरे मॉड्यूल का ब्यौरा आ गया समरी आ गई कि इसमें ये 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 वाली चीजें अवेलेबल है राइट right? नेक्स्ट है हमारे पास इंपोर्टिंग मॉड्यूल्स इन अ पाइथन प्रोग्राम वैसे हमने इम्पोर्ट कमांड ऑलरेडी चला ही ली है लेकिन चलो अब हम देखते हैं कि हम किसी मॉड्यूल को इम्पोर्ट करते हैं तो कैसे कैसे कर सकते हैं वी नीड टू इम्पोर्ट मॉड्यूल टू यूज द डेफिनेशन इनसाइड इट अगर हमें किसी भी मॉड्यूल के कोई फंक्शन यूज करने हैं तो हमें उसको पहले इम्पोर्ट करना पड़ेगा अपने प्रोग्राम में तभी वो रेडी टू यूज़ होगा द इम्पोर्ट स्टेटमेंट कैन बी यूज इन टू फॉर्म्स टू इम्पोर्ट एंटायर मॉड्यूल और टू इम्पोर्ट सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स अब चाहो तो आप पूरा का पूरा मॉड्यूल इम्पोर्ट कर लो चाहो तो आप कुछ पर्टिकुलरली ऑब्जेक्ट्स उसके इम्पोर्ट कर लो तो अगर अपने पूरा मॉड्यूल इंपोर्ट करना है तो कमांड होगी इंपोर्ट मॉड्यूल नेम इंपोर्ट इज द की और जो भी मॉड्यूल का नेम है वो लिख दो एंड टू इम्पोर्ट सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स आपके पास कमांड है फ्रॉम मॉड्यूल नेम इम्पोर्ट ऑब्जेक्ट नेम फ्रॉम और इम्पोर्ट दोनों की हैं मॉड्यूल में मॉड्यूल नेम आ जाएगा और ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट जो इस मॉड्यूल के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है उसका नेम आएगा इम्पोर्ट एंटायर मॉड्यूल में हम डिफरेंट मॉड्यूल्स के नेम भी दे सकते हैं इम्पोर्ट मॉड्यूल वन कॉम मॉड्यूल टू कॉम अड्यूल थ्री एंड सो गोइंग मॉड्यूल इम्पोर्ट कर सकते हो सिंगल लाइन में भी कर सकते हो एग्जाम्पल अगर आपको वन मॉड्यूल करना है तो जैसे उसका नाम एरिया है तो इम्पोर्ट एरिया एरिया इज अ मॉड्यूल नेम ये सिंगल मॉड्यूल इम्पोर्टिंग है नेक्स्ट इज जो इम्पोर्ट टू मॉड्यूल्स इम्पोर्ट एरिया कॉम अ पैरामीटर एरिया और पैरामीटर दोनों के दोनों मॉड्यूल के नेम्स हैं तो ऐसे कॉमन लगाकर हम जितने मर्जी मॉड्यूल के नेम्स दे सकते हैं और वो सारे के सारे इम्पोर्ट हो जाएंगे आपके प्रोग्राम में इम्पोर्ट स्टेटमेंट इंटरनली एग्जीक्यूट द कोड ऑफ मॉड्यूल फाइल एंड देन मेक्स इट अवेलेबल टू योर प्रोग्राम ठीक है तो एक्चुअली स्टेटमेंट क्या करती है जो भी मॉड्यूल फाइल है उसके कोड को एग्जीक्यूट कर देगी और जो भी उसमें से निकलेगा उसका आउटपुट वो आपके प्रोग्राम के लिए अवेलेबल होगा एवरीथिंग थिंग इन साइड अ मॉड्यूल लाइक वेरिएबल्स फंक्शन कॉन्स्टेंट्स एक्सेट्रा वो सब के सब अवेलेबल हैं अगर हमने उस फाइल को इम्पोर्ट किया है आफ्टर इम्पोर्टिंग अ मॉड्यूल यू कैन यूज़ एनी फंक्शन ऑफ द इम्पोर्टिड मॉड्यूल ठीक है आपने एक बार इम्पोर्ट कर लिया तो उसके बाद आप कोई भी उसका फंक्शन यूज कर सकते हैं बाई सिंपली राइटिंग मॉड्यूल नेम डॉट फंक्शन नेम और उसके ऑब्जेक्ट को आप यूज कर सकते हैं दिस वे ऑफ रेफरिंग टू अ मॉड्यूल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डॉट नोटेशन ये जैसे कि मैंने अभी लिखा मॉड्यूल नेम डॉट फंक्शन नेम तो इस जो ये वे ऑफ राइटिंग है इसको तो क्या बोलते हैं डॉट नोटेशन नेक्स्ट इंपोर्ट सिलेक्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ मॉड्यूल ठीक है अब हम कुछ सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स को इंपोर्ट करेंगे मॉड्यूल में से ना कि पूरा मॉड्यूल टू इम्पोर्ट सिलेक्टेड आइटम फ्रॉम अ मॉड्यूल हम कमांड रन करेंगे फ्रॉम मॉड्यूल नेम इम्पोर्ट ऑब्जेक्ट वन कॉम ऑब्जेक्ट टू कॉम ऑब्जेक्ट थ्री एंड सो गोइंग जितने मर्जी ऑब्जेक्ट्स इम्पोर्ट कर सकते हो एग्जाम्पल अगर आपको वन ऑब्जेक्ट मॉड्यूल में से इम्पोर्ट करना है टू इम्पोर्ट वन ऑब्जेक्ट फ्रॉम मॉड्यूल फ्रॉम मैथ इम्पोर्ट पाए ठीक है मैथ इज द नेम ऑफ द मॉड्यूल एंड पाए इज द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट pi is constant in math module From math import pi To import multiple objects from module, from math import power ke liye pow. dot s uh, sorry, comma sqrt for square root. Power and square root are functions in math module. to is स्टेटमेंट में मैंने दो ऑब्जेक्ट्स को इंपोर्ट किया है. To import all objects from module, अगर सारे करने हैं, from math import star ठीक है तो स्टार मीन्स ऑल ऑब्जेक्ट आप सारे ऑब्जेक्ट को इम्पोर्ट कर सकते हो सो लेट हैव एन एग्जाम्पल अगर मैं कोई ऐसा फंक्शन यूज करूं जो मैंने इम्पोर्ट ही नहीं किया हुआ तो मेरे पास क्या एरर आएगी या क्या होगा जैसे पाए मैंने पाए लिखा तो मेरे पास एरर आ गया पाए एक मैथ मॉड्यूल के अंदर डिफाइंड कांस्टेंट है तो एज इट इज पाए क्या है वो हमारे शेल को नहीं पता पाइथन शेल को तो उसने मुझे क्या दे दिया एरर फ्रॉम मैथ इम्पोर्ट पाए अब मैंने जब इम्पोर्ट कर लिया पाए को मैथ में से ठीक है इम्पोर्टिंग वन मॉड्यूल वन सॉरी इम्पोर्टिंग वन ऑब्जेक्ट फ्रॉम मॉड्यूल ठीक है अब मैं अगर पाई लिखूंगी तो मेरे पास एरर नहीं आएगा मेरे पास आंसर आ गया थ्री पॉइंट वन फोर वन फाइव नाइन जो भी उसकी वैल्यू है राइट right, तो अगर मैं ऑब्जेक्ट को इम्पोर्ट किए बिना यूज़ करूँगी तो एरर अगर इम्पोर्ट कर कर यूज़ करूंगी तो आंसर फ्रॉम मैथ इम्पोर्ट कॉस कॉमा एस क्यू आर टी सो नाउ आई आई एम इम्पोर्टिंग टू ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द मैथ मॉड्यूल इम्पोर्टिंग टू ऑब्जेक्ट्स कॉस एंड स्क्वायर रूट मैंने दोनों के दोनों इम्पोर्ट किए हैं कॉस तो आंसर आ गया माइनस जीरो पॉइंट फोर फोर एट जीरो सेवन एंड ऑल स्क्वेयर रूट ऑफ फोर तो आंसर आ गया टू पॉइंट जीरो राइट तो ऐसे सिंपली इंपोर्ट करो और उसके फंक्शंस को यूज करो आपको कुछ भी फंक्शन क्या कर रहा है कहां से कर रहा है क्या करना है हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है फंक्शन ऑलरेडी प्री डिफाइंड है हमने सिर्फ यूज करने हैं फ्रॉम मैथ इम्पोर्ट स्टार्ट अब मैंने किसी ऑब्जेक्ट का नेम नहीं लिखा मैंने स्टार लिख दिया तो स्टार मीन्स ऑल इम्पोर्टिंग ऑल ऑब्जेक्ट्स तो कोई एग्जाम्पल लेके देखते हैं यहाँ पर लेट अस गो फॉर अ वैल्यू ऑफ साइन साइन 90 सो आंसर इज 0.89399 tan tangent 45 टेन सो द आंसर इज़ 1.619 एंड ऑल ठीक है तो ये हमारा एक छोटा सा एग्जाम्पल था दिखाने के लिए कि हम वन ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट्स या ऑल ऑब्जेक्ट कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं और कैसे हमें उस ऑन ऑब्जेक्ट्स को यूज करना है राइट नेक्स्ट इज यूजिंग पाइथन बिल्ट इन फंक्शंस अगर हमें पाइथन के बिल्ट इन फंक्शंस को यूज करना है पाइथन इन बिल्ट फंक्शंस आर ऑलवेज अवेलेबल टू यूज ठीक है तो जो पाइथन में जितने फंक्शन इन बिल्ट हैं वो हमेशा हम कहीं पर भी कभी भी कैसे भी यूज़ कर सकते हैं नीड नॉट टू इम्पोर्ट एनी मॉड्यूल फॉर देम ठीक है हमें उनके लिए किसी भी मॉड्यूल को इम्पोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती देखो मॉड्यूल एक्चुअली पर्टिकुलरली एक टास्क परफॉर्म करता है ठीक है और पाइथन के बिल्ट इन फंक्शन या इन बिल्ट फंक्शन वो हैं जो हमें हर जगह यूज़ करने हैं हर जगह यूज़ आएंगे ही आएंगे तो वो किसी मॉड्यूल का पार्ट नहीं है वो ऐसे ही हमारे पास अवेलेबल हैं सिंटेक्स क्या है सिर्फ फंक्शन का नेम लिखो और ब्रैकेट्स और जो भी उसने पास करना है पैरामीटर्स में वो पास कर दो एग्जाम्पल हमने बहुत बार यूज की है प्रिंट स्टेटमेंट इनपुट इंट टाइप लेंथ आई डी ये छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं जो किसी भी मॉड्यूल का पार्ट नहीं है ये फंक्शन ये एज इट इज हमारे पास अवेलेबल हैं और हम इन्हें जब मर्जी यूज कर सकते हैं नाउ कम्स मैथमेटिकल इन फंक्शन कुछ हमारे पास ऐसे ही मैथमेटिक्स के भी फंक्शंस हैं जो कि इनबिल्ट हैं और उनको हम जैसे मर्जी यूज कर सकते हैं हमें कोई भी मैथ्स की मॉड्यूल uh, को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है सबसे पहले है ऑक्ट ऑक्ट इज फॉर ऑक्टल जिसने बुलियन एलजेब्रा पढ़ा होगा उसको ये ऑक्ट हैक्स इजिली समझ में आ जाएंगे कि ऑक्ट के लिए मीन्स ऑक्टल क्या होता है क्या होता है सो so, ऑक्ट इट रिटर्न ऑक्टल स्ट्रिंग फॉर गिवन नंबर हम किसी भी नंबर की ऑक्टल इक्विवेलेंट नंबर देख सकते हैं अब जो भी ऑक्टल रिजल्ट आएगा वो कैसा दिखेगा जीरो ओ प्लस जो भी ऑक्टल इक्विवेलेंट है वो उस नंबर का उसके आगे जीरो ओ लगा होगा आगे जो भी नंबर हम यहाँ पास करेंगे इंटीजर में उस नंबर का जो इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर है वो आ जाएगा क्स इंटेजर है यह देखने में कैसा होता है जीरो स्टार्टिंग में क्या आएगा जीरो प्लस इक्वेलेंट ऑफ ए नंबर जो भी इंटीजर हम यहां देंगे उसका जो इक्वेलेंट हैक्सा डेमल नंबर है वो आगे लगा होगा और पीछे क्या होगा साथ में जीरो एक्स तो जीरो एक्स से एक उसका पहचान हो जाएगी कि यह हैक्सा डेमल है जीरो ओ से पहचान हो जाएगी कि यह ऑक्टल नंबर है राइट नेक्स्ट इज इंट नंबर इंट नंबर ट्रंकेट द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ अ गिवन नंबर एंड रिटर्न ओनली द इंटीजर और होल पार्ट अगर मैंने कोई डेसिमल नंबर दिया है और मैं उस पर इंट यूज करूंगी तो वो क्या करेगा उसके फ्रैक्शनल पार्ट को ट्रंकेट कर देगा काट देगा वो नंबर को राउंड ऑफ नहीं करेगा वो सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट को काट कर हमें जो इंटीजर जो होल पार्ट है वो रिटर्न कर देगा राउंड नंबर कॉमा एंड डिजिट्स अब राउंड हमारे पास राउंड फंक्शन है किसी भी फ्रैक्शनल डिजिट को राउंड ऑफ करने के लिए रिटर्न नंबर राउंडेड टू एन डिजिट्स आफ्टर द डेसीमल पॉइंट्स इफ़ एन डिजिट्स आर नॉट गिवन इट रिटर्न नियरेस्ट इंटीजर टू इट्स इनपुट ठीक है जैसे मैंने थ्री पॉइंट सिक्स लिखा तो वो राउंड ऑफ होकर फोर बन जाएगा ठीक है ना अगर मैं एंड डिजिट्स दे दूंगी यहां पे तो डेसिमल के बाद मुझे कितने नंबर्स चाहिए वो मैं यहां पर दूंगी कितनी चाहिए मुझे उस अकॉर्डिंगली राउंड ऑफ होएगा हैव एन ऑफ़ दिस मैथमेटिकल बिल्ट इन फंक्शन अप ब्रैकेट में देते हैं 15 तो 15 का ऑक्टल इक्वेलेंट नंबर क्या है जीरो ओ वन सेवन जीरो ओ मीन्स ऑक्टल एंड सेवन इज द ऑक्टल इक्वेलन नंबर ऑफ फिफ्टीन ऑक्ट थर्टी नाइन सो द आंसर इज जीरो अगेन ऑक्टल एंड फोर्टी सेवन इज द ऑक्टल इक्वेलन नंबर ऑफ थर्टी नाइन हैक्स टू जीरो एक्स टू तो जीरो एक्स स्टैंड फॉर मीन्सोडल एंड टू हेक्स नाइन टू एट जीरो एक्स थ्री एरो तो यह क्या है, है A928 का. इंट फिफ्टी टू पॉइंट नाइन थ्री सिक्स सेवन द आंसर इज फिफ्टी टू देखो उसने राउंड ऑफ नहीं किया उसने सिर्फ सेक्शनल पार्ट को काट दिया और होल नंबर हमको दे दिया फिफ्टी टू इंट वन नाइन टू थ्री पॉइंट सिक्स सेवन सो द आंसर इज वन नाइन टू थ्री अगेन उसने उसको राउंड ऑफ नहीं किया सिर्फ ट्रंकेट करके सेक्शनल पार्ट को होल पार्ट हमें दे दिया राउंड नाइन्टी सिक्स पॉइंट एट फाइव फोर थ्री सिक्स अब इसको राउंड ऑफ किया जाएगा नाइन्टी सेवन ठीक है नाइन्टी सिक्स पॉइंट एट था तो वो नाइन्टी सेवन बन गया राउंड फोर्टीन पॉइंट थ्री टू तो द आंसर इज फोटीन तो ये हैं हमारे चार मैथमेटिकल बिल्टिंग फंक्शंस जो हमें फ्रीली अवेलेबल हैं आर नॉट

मीन्स हमने जो भी स्ट्रिंग दी है उसके हर एलिमेंट के बाद जो भी स्ट्रिंग हम यहाँ पर देंगे वो ऑटोमेटिकली उसके साथ लग जाएगी इसका हम प्रैक्टिकल देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट इट स्प्लिट्स द स्ट्रिंग मीन्स डिवाइड कर देता है स्ट्रिंग को बेस्ड ऑन गिवन स्ट्रिंग और करेक्टर एंड लिस्ट कंटेनिंग स्प्लिट स्ट्रिंग्स एज एलिमेंट्स जो भी हम करेक्टर यहाँ पे पास करेंगे जो भी हम स्ट्रिंग यहाँ पर देंगे वो उसको स्प्लिट कर देगा और रिटर्न करेगा हमें स्प्लिटेड स्ट्रिंग्स मतलब बड़ी स्ट्रिंग को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देगा और हमें वो सारे डिवीजन वाले छोटे छोटे स्ट्रिंग्स रिटर्न कर देगा स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस इट रिप्लेस अ वर्ड और पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग विद अनदर इन द गिवन स्ट्रिंग ठीक है हम स्ट्रिंग के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से रिप्लेस कर सकते हैं किसी और वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं लेट अस हैव एन एग्जांपल ऑफ दिस स्ट्रिंग बिल्ट इन फंक्शंस तो इसके लिए सबसे पहले हम एक फंक्शन हमें स्ट्रिंग भी लेनी पड़ेगी स्ट्रिंग फंक्शन सबसे पहले हम करेंगे ज्वाइन ज्वाइन फंक्शन ऑफ स्ट्रिंग हैव अ स्ट्रिंग फर्स्ट ऑफ ऑल एस इक्वल्स टू पाइथन ठीक है तो मैंने एक स्ट्रिंग ले ली एस और उसके अंदर क्या है पाइथन अब हम इस पर ज्वाइनिंग यूज़ करते हैं हैश विच इज़ इन कोर्स इज स्ट्रिंग डॉट ज्वाइन एस ठीक है मैंने स्ट्रिंग पास कर दी ज्वाइन में तो क्या हुआ पाइथन में हर एलिमेंट के बाद जो इन बिटवीन एलिमेंट्स हैं उनके बाद हैश आ गया P हैश वाई हैश टी हैश एच हैश ओ हैश एन जब तक हम लास्ट एलिमेंट तक ना पहुंचे ठीक है तो उसने जो स्ट्रिंग पास की उसको ज्वाइन कर दिया हमारी Given string से थ्री स्टार्स डॉट जॉइन एस अब हर एलिमेंट के बाद थ्री स्टार्स आ गए तो जो हमने स्ट्रिंग यहां पर दी उसने उसको जॉइन कर दिया गिवन स्ट्रिंग के साथ और गिवन स्ट्रिंग के हर एलिमेंट के बाद ये वाली स्ट्रिंग हमारे पास आ गई डॉलर्स जॉइन ये तो स्ट्रिंग्स पास की थी हम चाहे तो लिस्ट या टपल भी पास कर सकते हैं तो हमें कोई हम कोई लिस्ट पास करते हैं हेलो कॉमा वर्ल्ड तो ये दो एलिमेंट्स हैं इसमें हेलो और वर्ल्ड इस लिस्ट में राइट तो अब क्या होगा व्हाट वी विल गेट हेलो डॉलर डॉलर वर्ल्ड तो दोनों के बीच में हमारे पास डॉलर डॉलर स्ट्रिंग आ गई सिमिलरली हम लिस्ट की जगह कोई टप्पल भी दे सकते हैं एट द रेट एट द रेट एट द रेट एट द रेट डॉट जॉइन सॉरी टप्पल में हमारे पास राउंड ब्रैकेट्स होती हैं इट इज

पहले हम एक स्ट्रिंग ले लेते हैं हम कोई भी स्ट्रिंग को स्प्लिट कर सकते हैं मैंने लिखा आई लव पाइथन डॉट स्प्लिट ठीक है तो बाय डिफॉल्ट मैंने कहा नहीं बताया यहां पे तो वो ऑटोमेटिकली जहां पर भी उसको स्पेस मिलेगी वहां से स्प्लिट कर देगा आई स्पेस से उसने काट दी स्ट्रिंग फिर लव फिर से स्पेस मिला उसने स्ट्रिंग कट कर दी देन पाइथन तो उसने एक स्ट्रिंग को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया मैंने बताया नहीं कि स्प्लिट कहाँ से करना है उसने अपने आप स्प्लिट किया नाउ आई लव पाइथन डॉट स्प्लिट अब हम स्प्लिट करते हैं इसको तो कहीं से भी अस हैव ओ क्योंकि ओ दो है हमारे पास ठीक है ओ से स्प्लिट किया ना वॉट आंसर आई गेट आई स्पेस एल जैसे ओ मिला उसने उसको कट कर दिया और देखो ओ हमारे आंसर में भी नहीं आया वी ई पी वाई टी एच अगेन ओ आया तो उसने उसको कट कर दिया एंड देन एन राइट right? तो ये था हमारा स्प्लिट फंक्शन स्प्लिट बाय डिफॉल्ट स्प्लिट करेगा स्पेस से और अगर हम कुछ मेंशन कर देंगे तो उस पर्टिकुलर जगह से उसको तोड़ देगा रिप्लेस रिप्लेस मीन्स कि इस वर्ड को किसी और वर्ड से रिप्लेस करना या स्ट्रिंग के एक पार्ट को सब स्ट्रिंग को किसी और सब स्ट्रिंग से रिप्लेस करना मैंने लिखा आई लव पाइथन डॉट रिप्लेस अब रिप्लेस किसको किसके साथ करना है तो पहले वो एलिमेंट जो इसमें है

थन लाइब्रेरी का यहीं पर खत्म होता है एंड इफ यू रियली सल्स इट वर्थ इट दो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आर चैनल एंड थैंक फॉर वॉचिंग